धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में आषाढ़ महीने का विशेष महत्व है। इस माह में भगवान विष्णु के निमित्त पूजा पाठ, हवन, विष्णु सहस्र नाम का पाठ, रामकथा आदि का करने का विशेष महत्व बताया गया। आषाढ़ का महीना सभी मनोकामनाओं को पूरे करने वाली महीना बताया गया। विधि अनुसार पूजा पाठ करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता बताई गई। इस दौरान आषाढ़ माह में भगवान विष्णु के निमित्त पूरे विधि विधान से व्रत करने पर धन की बरसात होने और सुख समृद्धि मिलने की धार्मिक मान्यता है। आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण बताई गई। साल 2024 में देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को होगी। हिंदू पंचांग के चौथे महीने की एकादशी से सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु अगले 4 महीने तक क्षीर सागर में सो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन 4 महीनों में शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कोई शुभ कार्य नहीं होता। यदि आप हर की पौड़ी पर पूजा पाठ कर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी से सभी कार्य बंद हो जाएंगे। हालांकि आप हरिद्वार में गंगा घाटों पर गंगा स्नान कर पूजा पाठ, व्रत दान आदि कर सकते हैं। 4 महीने तक शुभ कार्यों पर रोक। जी हां, ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीधर शास्त्री ने बताया कि आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी साल 2024 में 17 जुलाई को होगी। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु अगले 4 महीने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। इस माह में भगवान विष्णु के निमित्त पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी बताया गया है।